फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिट ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर। हमारा इंग्लिश का थर्ड लेसन जो है जिसका नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज, ये लेसन हमारा प्रोग्रेस में है। इस लेसन का हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ पार्ट कवर किया है। आज का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये लेसन खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लेसन में हमने क्या देखा था, तो एक एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह है उनके बारे में जानकारी दी है इस लेसन में, ठीक है। तो हमने दो पेज कवर किया था, आज तीसरा पेज चालू करते हैं और खत्म भी कर देते, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे, ऑन अगस्त 1964 इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह टूक ओवर रेन्स ऑफ IAF एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रिबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस। तो क्या दिया है इस पैराग्राफ में, तो वहां यहाँ पे बताया है कि 1 अगस्त 1964 में ये जो हमारे अर्जन सिंह है एयरफोर्स मार्शल, उन्होंने क्या उनको IAF का एक मेन आदमी दिया, बना दिया, ठीक है। टूक ओवर रेंज का मतलब होता है टूक ओवर कंट्रोल, उनको IAF का पूरा कंट्रोल ही दे दिया गया। कब, 1964 में, 1 अगस्त 1964 में, ठीक है। तो उनको IAF का एक पूरा कंट्रोल मिला। IAF यानी क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। कब, जब हमारा जो IAF था वो रिबिल्डिंग हो रहा था, यानी फिर से बिल्ड हो रहा था, फिर से तैयार हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ इस पैराग्राफ में बताया है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला है, लास्ट पेज के, सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक, मतलब CAS रैंक मिलने तक, ठीक है। फ्लाइंग करेंसी को अपने फ्लाइंग करेंसी को कीप यानी उसको अपना मौजूद रखने में, बराबर, उसको उसका कीप करने में हमारे चीफ ये जो एयर चीफ सिंह, एयर चीफ मार्शल जो सिंह है वो पहले ऐसे पर्सन थे, ऐसा वहां पे बताया उन्होंने, ठीक है। CAF, ठीक है, CAF का मतलब होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, मतलब एयर स्टाफ के चीफ, मतलब एयर स्टाफ के चीफ बन गए बाद में वो, ठीक है। हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्रे वर्ल्ड वार टू एरा बायोप्लेन्स टू द मोर कंटेम्पररी नेट्स एंड वैम्पायर्स, ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि सिंह जो है वो उन्होंने 60 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज उड़ाए हैं, बराबर। इसके बारे में फर्स्ट पेज पे भी बताया था आपको, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला एक कप उन्होंने किया था प्रे वर्ल्ड वार टू, मतलब ये वर्ल्ड वार टू था उसके पहले, प्रे वर्ल्ड वार, ठीक है। तो तब उन्होंने ये जो एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, ठीक है। और इस आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार टू कब हुआ था, ठीक है, 1942 टू 1945 हिस्ट्री में है आपके, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इसके अलावा क्या बताया है कि जो हमारे अर्जन सिंह है उन्होंने इसके अलावा ये जो 60 तो एयरक्राफ्ट तो उड़ाए है ही, पर इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ाए है, कौन सा, लाइक अ सुपर कॉन्स्टिलेशन, सुपर कॉन्स्टिलेशन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको भी उन्होंने उड़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, इन 1965 में क्या हुआ, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पाकिस्तान ने जब लॉन्च किया 1965 में, तब क्या हुआ, विथ एन आर्मर्ड ट्रस्ट टारगेटेड एट द विटाल टाउन ऑफ अखनूर, सिंह लेड IAF थ्रू द वार विथ करेज डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल। मतलब तब जब ये पाकिस्तान ने ऑपरेशन जो शुरू किया था, तब सिंह जो थे उन्होंने पूरा करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, अपना प्रोफेशनल स्किल था उसके साथ उन्होंने उसका सामना किया, बराबर। ही इंस्पायर IAF टू विक्ट्री,
उन्होंने आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को विक्ट्री मिलने के लिए इंस्पायर्ड किया, प्रेरणा दी उन्होंने। डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड, कंस्ट्रेंट का मतलब रेस्ट्रिक्शन, मतलब उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आए होंगे, बराबर डिफिकल्टीज आई होगी, पर उनको वो बाजू में रख के अपना जो काम है एयरफोर्स का वो उन्होंने अच्छी तरह निभाया, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला, सिंह वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज अस्टूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वार, इस वार में जो उन्होंने अलग सा लीडरशिप का काम किया था उन्होंने, बराबर, इसके लिए ये जो हमारे अर्जन सिंह है उनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया, बराबर। सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन ऑफ एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वार द रैंक ऑफ सीएएस वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जन सिंह बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो उनका जो सीएएस का रैंक जो था उसको अपग्रेड किया गया उसके बाद, और क्या किया गया, तो अर्जन सिंह को पहले इंडिया के एयरफोर्स एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के पहले चीफ मार्शल बनाया गया, बराबर, एयर चीफ मार्शल बनाया गया, किसको, अर्जन सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, ही रिमेन अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन आईएएफ, उनका आईएएफ का जो टेन्योर एंड था, मतलब इंडियन एयरफोर्स में जो भी उन्होंने काम किया था उसका जब एंड हो रहा था तब वो एक फ्लायर ही थे, मतलब एक हवाई जहाज उड़ाने वाले एक पायलट ही थे, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विथ द स्क्वाड्रन्स, वो क्या करते थे, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस, फॉरवर्ड बेसिस का मतलब होता है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिटरी पोजिशन, ठीक है, तो उनको विजिट करते थे वो, उनके यूनिट्स को विजिट करते थे एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन यानी ग्रुप, तो उनका जो सैन्य दल, यानी मैंने बताया था इसके पहले, तो ये जो सैन्य दल उनके साथ वो फ्लाइंग करते थे। और क्या बताया यहाँ पे, ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969, अगस्त 1969 में वो रिटायर्ड हो गए। Thereupon, as accepting ambassadorship to Switzerland, उसके बाद उन्होंने ambassadorship accept की Switzerland के लिए, Switzerland के लिए, ठीक है। He was lieutenant governor of Delhi from December 1989 to December 1990, मतलब ये एक साल के लिए गवर्नर भी थे, बराबर, 1989 से लेके 1990 तक, दिसंबर में, दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक वो गवर्नर थे, कहा के दिल्ली के, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला है, लास्ट पैराग्राफ है, हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थ्रू द ईयर्स, द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड ओनली 5-star रैंक ऑफिसर विथ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, उनसे प्रेरणा लेके ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल जो हमारे अर्जन सिंह है उनको 2002 में वो जो रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल था, ठीक है, उनको दिया गया था रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल, किनको, अर्जन सिंह को, और वो ऐसे पहले 5-star रैंक ऑफिसर थे जो कि इंडियन एयरफोर्स में थे, ठीक है। तो ये जो लेसन है, जो लेसन हमने खत्म किया है आज के वीडियो लेक्चर में, वो पूरा लेसन हमारे एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह है उनके ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।